डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में जानेंगे भिन्न किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे कि उचित भिन्न क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या है और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शंस का जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भिन्न कहते किसे हैं। हमने पढ़ा है रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर किसे कहते थे, जिसको हम लोग पी अपान क्यू के रूप में लिखें, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर क्या है, भिन्न में भिन्न थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि सभी नंबर को पी अपान क्यू के रूप में दिखाना ही पड़ता है, यानी कि भिन्न सेम यही चीज़ है, पी अपान क्यू के रूप में रहे और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे वाला जीरो ना हो। कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 4/3 हो सकता है, वो भिन्न के रूप में है। और हम लोग जितने नंबर कहते थे, -2/8 ले लें या 4/3 ले लें, 6/1 ले लें, यानी कि ये सभी नंबर जो है ये भिन्न में भी आएंगे और इसमें रेशनल नंबर में भी आएंगे, क्योंकि रेशनल नंबर को ही बांटा जाता है भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में, और एक होता है हम लोग इंटीजर्स में बांटते थे। तो यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर भिन्न में बांट रहे हैं। भिन्न के बारे में क्या है कि पी अपान क्यू के रूप में लिखा जाए लेकिन क्यू जीरो ना हो, और हमेशा पी अपान क्यू के रूप में लिखना ही पड़ेगा। और ऊपर वाला जो पी है ये क्या, इसको क्या कहते हैं, पी को कहते हैं अंश, हिंदी में कहते हैं अंश और इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। ऐसे ही नीचे जो है क्यू, नीचे वाले क्या कहते हैं, हर, हर को इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अंश और हर यानी कि पी अपान क्यू के रूप में लिखे हैं, इसमें ऐसे पहचान सकते हैं कि 4 को क्या कहेंगे, अंश, न्यूमरेटर, और यहाँ पर 3 क्या है, डिनोमिनेटर। इसमें भी 6 क्या है, न्यूमरेटर, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। इस पॉइंट को आप लोग दिमाग में रखेंगे कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आगे इसको बांटा जाता है भिन्न को कई पार्ट्स में। यहाँ पर एक कंडीशन दी है, इसको पहले समझ लेते हैं। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता है। भिन्न में क्या है या रेशनल नंबर में क्या है, नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता है। क्या होगा यदि नीचे वाला जीरो हो जाए, उसको समझते हैं। जैसे होता क्या है भिन्न में, जैसे 20/4 है, यानी कि 20 को डिवाइड किया जा रहा है 4 से यदि 20 को डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 5, 4 5 20 ऐसे डिवाइड हो जाता है। लेकिन यदि नीचे वाला जीरो हो जाए, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते किसी नंबर को, ऊपर 20 लें चाहे जीरो से डिवाइड करना हो 12, किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जीरो को डिवाइड कर सकते हैं सभी नंबर से। ऊपर जीरो हो सकता है, पी जो है जीरो हो सकता है, क्यू जीरो नहीं हो सकता, क्यू 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। और जब जीरो में डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, है ना। 2 से 0 को डिवाइड करते हैं तब भी 0, -2 से, -4 से, 100 से, 1000 से, किसी से भी करें हमको हमेशा 0 ही मिलेगा, यदि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो। लेकिन 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे 0 है, इसीलिए क्यू 0 नहीं हो सकता। इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित है, इसको बताया नहीं जा सकता कि क्या आएगा 0 से डिवाइड करने पर, अपरिभाषित। तो आगे समझते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार का है, उचित फ्रैक्शन क्या होता है और जो अनुचित फ्रैक्शन है उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो हमारा टॉपिक है उचित फ्रैक्शन या उचित भिन्न। उचित भिन्न इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, शब्द से ही निकल रहा है प्रॉपर हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जिसका हर जो है वो अंश से बड़ा रहे, यानी कि नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा रहे, तो उसको कहेंगे उचित भिन्न या ऐसे भिन्न जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर जो हो, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि हर जो है वो क्या है, बड़ा है अंश से, अंश से, अंश छोटा हो, ऊपर वाला क्या हो, छोटा। जैसे कि एग्जांपल से 2/5 ये क्या है, उचित भिन्न है। क्यों उचित भिन्न है, क्योंकि नीचे वाला क्या है, बड़ा है ऊपर वाले से। हर जो है, हर ये नीचे वाला हर है, ये बड़ा है अंश से, तो जिसका हर जो हो बड़ा हो। ये क्वेश्चन पूछता है एक नंबर में कि कौन सा उचित भिन्न, कौन सा अनुचित भिन्न है। कई सारे एग्जांपल ऐसे दिए रहेंगे ऑप्शंस में, 4/8 उचित भिन्न है अनुचित, उचित भिन्न है। ऐसे ही 12/100 उचित भिन्न है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर रूप में लिखा गया है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, न्यूमरेटर जो है छोटा होना चाहिए ऊपर वाला, और नीचे क्या होना चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए। अनुचित भिन्न क्या होगा,
अनुचित यानी कि जो उचित ना हो, इसी का उल्टा अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो हो वो छोटा हो, डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर, यानी कि अंश जो है वो क्या है, बड़ा है हर से। जैसे एग्जांपल है इसका 20/6, 20/6 ये क्या है, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका हर जो है वो छोटा है और ऊपर वाला अंश जो है बड़ा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा गया है। ऐसे और भी ले सकते हैं, जैसे 16/9, 100/40, ये सभी क्या है, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसका अंश छोटा हो हर से, ऊपर वाला छोटा हो, जैसे आप लोग एग्जाम्स में नंबर पाते हैं 100 में से कोई 12 नंबर पाता है, ऐसा नहीं पाते होंगे, ज़्यादा ही पाते होंगे, तो मान लेते हैं 100 में से कोई 80 नंबर पाया, 100 में से कोई 100 पाया है ना, तो ये सब क्या है, उचित भिन्न में आएंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल रहे चाहे ऐसे रहे, यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर जो अनुचित भिन्न है इसमें छोटा है, तो नीचे वाला जो पूर्णांक रहता है इसमें जैसे नंबर पाए हैं आप लोग, तो 100 में से 80 पाए हैं, यानी नीचे जो पूर्णांक हमेशा बड़ा रहता है, ऊपर जो मार्क्स पाए हैं वो लिखा जाता है। यहाँ पर उल्टा होता है, नीचे वाला क्या होगा, छोटा होगा 17, ऊपर वाला बड़ा होगा, मान लेते 200 है ना, तो ये क्या हो गया, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगला हमारा टॉपिक है मिश्र भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, मिक्स्ड यानी कि मिक्स्ड रूप में लिखा रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लिखना, प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना जो है, वैसे नंबर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए जो फ्रैक्शन है, जैसे कि 12/5 यहाँ पर लिख देगा 5, तो कहेगा इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिखा रहेगा 3:2/4, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे वो लिखना भी आ सकता है, इससे ऐसे लिखना और ऐसे उल्टा लिखना, यानी कि फिक्स्ड में, ये दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं, लेकिन ऐसे कैसे लिखेंगे उसको जानते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं जब इस तरह लिखा गया रहे, इस तरह मिक्स्ड रूप में, यानी कि यहाँ पर है 3:2/4, ऐसे पढ़ते 3:2/4, तो इसको कैसे लिखेंगे इस रूप में, मान लेते हैं 3:2/4 ही है, तो यहाँ पर होता क्या है, 4 का यहाँ नीचे वाले का मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले का मल्टीप्लाई होगा 3 में, नीचे वाला नीचे ही रह जाएगा, 4 × 3 = 12 में 2 ऐड करेंगे, 12 × 2 = 14, तो 14/4 को इस तरह लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिखा हुआ मिले तो इसको 14/4 लिख सकते हैं। ऐसे इसको समझते हैं क्या होगा, 12/5 है, 5 से क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पर मिलेगा हमको, जो यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा उसको ऊपर लिखना है, ये जो नीचे है डिनोमिनेटर इसको नीचे ही रखना है, और यहाँ पर जो डिवाइड करने पाएगा है ना, उसको यहाँ रखना है, डिवाइड करने जो मिलता है हमको भागफल, तो जैसे यहाँ पर भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं 5 से 12 को, आपको अगर कहीं भी मिल गया 12/5 या कोई और नंबर जैसे कि 32/9, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, तो ऐसे नीचे वाले से डिवाइड करेंगे ऊपर वाले को, 5 × 2 = 10, 12 में से 0 गया 2, और यहाँ पर ये कट गया, 2 हमारा रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को लिखना है ऊपर, तो यहाँ पर ये इसको लिखा जा सकता है, नीचे 5 का 5 ही रहेगा, ऊपर लिखा जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ कितनी बार में डिवाइड हुआ है, 2 बार में, तो यहाँ पर कोसेंट को लिखेंगे, इसको कहते हैं कोसेंट, तो कोसेंट को यहाँ लिखेंगे 2:2/5 कहेंगे इसको, और यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो कितनी बार में जाएगा, 9 × 36 हो जाएगा, 9 × 3 = 27, ये हासिल देगा, 5 आएगा, यहाँ कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, 5, और कोसेंट क्या आया, 3, तो नीचे 9 है तो 9 ही रहेगा, नीचे जो है वही रहेगा डिनोमिनेटर, यहाँ पर क्या आएगा, जितनी बार में डिवाइड हुआ 3 बार में 3 लिखेंगे, यहाँ पर बचा क्या 5, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे शेष, तो इस तरह आप लिख लेंगे। यदि ऐसे दिया रहे तो होता क्या है, यदि इसका इसमें गुणा करें 9 × 3 = 27 और 5 ऐड करें तो बीच वाला मिलता है ना, तो इसी 32 को ही लिखा गया इस रूप में, 9 × 3 = 27 = 5 = 32 है ना, 32 को ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे 9 × 3 = 27 = 5 = 32, तो 32/9,
ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तो ऐसे लिख लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तब जाकर ये ऐड होगा, मल्टीप्लाई करके तब ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 12 मिलेगा, 5 टू 10 और 2 ऐड करेंगे 12/5। तो क्वेश्चन में ऐसे दे देता है और उसको सॉल्व करना रहता है, तो इसको पहले हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तब सॉल्व करते हैं, एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन चाहे मल्टीप्लीकेशन चाहे डिवीजन सब में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा पलट जाना। जैसे कि 4 लिखे हैं, 4 भी क्या है, फ्रैक्शन ही है। कैसे फ्रैक्शन है, 4 को लिख सकते हैं 4/1, जिसके अपान में कुछ न दिया रहा, यानी कि डिनोमिनेटर न दिया रहा, उसके अपान क्या है, 1 है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/4। एकदम सिंपल है, जो आपको भिन्न मिलेगा उसको पलट देना है। जैसे कि मिलेगा 4/6, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 6/4। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बदल देना है, यानी कि अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए। ये अंश था इसके लिए हर हो गया, रेसिप्रोकल में ये हर था इसके लिए अंश हो गया, बन गया ना। तो ऐसे आपको बनाना है, रेसिप्रोकल में पलट देना है। जैसे आपको दे देगा 9/20, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 20/9। सिंपल है, ये रेसिप्रोकल है, इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकल भिन्न निकाले हैं। ठीक, इस तरह हो जाएगा, व्युत्क्रम भिन्न निकाल लेंगे। अगला टॉपिक पढ़ते हैं मिश्रित भिन्न क्या होता है और फिर सतत भिन्न क्या होता है उसके बारे में। हमारा टॉपिक है वितत भिन्न, यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन, वितत भिन्न, कंटिन्यूअस यानी कि लगातार भिन्न रहे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। जब आपको लगातार भिन्न के नीचे भिन्न फिर ऐसे मिले हैं ना, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, ढेर सारे फ्रैक्शन ऐसे कुछ लिखा मिले, 1+1/2+2/7+9/4, ऐसे ही बढ़ते जाए कंटिन्यूअस लगातार, है ना, भिन्न के नीचे भिन्न फिर उसके नीचे भिन्न फिर उसके नीचे भिन्न, ऐसे जब मिलेगा आपको तो उसको कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी कि वितत भिन्न लगातार भिन्न आ रही है, कंटिन्यूअसली लगातार। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करना हम आगे बताएंगे कि इस प्रकार इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, फिर इसको पलटते हैं, कैसे कैसे ऐड करते हैं, कुछ अन्य ट्रिक भी होते हैं लाइन्स लिख कर, उसको भी देखेंगे, ट्रिक को भी और डिटेल में भी जानेंगे आगे जब एडिशन को जानेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, आप इसको कमेंट करके बताइए कि किसको क्या कहेंगे। जैसे ये है, इसको क्या कहेंगे, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए नाम क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड का इसको बताइए, ये क्या है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, दोनों में से कौन सा सही होगा इसको बताइएगा। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इस भिन्न का क्या नाम होगा, 4/9/3/6, इसको क्या कहेंगे, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। नाम याद रखना है सबका, तो इसीलिए आप इस सबका नाम कमेंट करेंगे, इसको फर्स्ट को क्या कहेंगे, सेकंड को, थर्ड को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।